वजीर आला सिंह साहब ने कच्ची आबादियों की तो बड़ी फिक्र की, ये पक्की आबादियों के बारे में उनका क्या कहना है। ये मेरे कमरे का हाल है, ये मेरा बेडरूम है जनाब आली, और आप देख सकते हैं कि क्या हाल है मेरे बेडरूम का। सारा कुछ सारे डूबा हुआ, क्योंकि ये नालों की ना तो सफाई करना जानते हैं, ना सफाइयाँ वैसे जनरली करना जानते हैं। इस मनहूस शहर की जो किस्मत है, पता नहीं कौन बदलेगा। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये यहाँ से मुंतखब वज़ीर आज़म खान। तो जनाब ये हालात है मेरे घर के। मैं इस वक्त अकेली हूँ घर में, क्योंकि मेरी मुलाजमा और ड्राइवर किसी काम से बाहर गए थे। वो तो सारे फंस गए, वो नहीं आ सकते इस वक्त घर में, और मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्या कर सकती हूँ मैं। तो ये हालात हैं जनाब, और बस क्या कहूँ मैं, क्या कह सकती हूँ। ये हर साल का तमाशा है, ये हर साल का तमाशा है। इनकी नाहली, कच्ची आबादियाँ बनी हुई हैं पानी के निकास के रास्ते में, उन्हीं की वजह से इन इलाकों में, मैं PC10 ब्लॉक 6 में रहती हूँ, इन इलाकों में ये हाल होता है। ये मेरे सहन का हाल है, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये मेरे घर का हाल है इस वक्त। क्या करूँ, किसको कोसूँ, किसको बुरा भला कहूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह का शुक्र अदा कर सकती हूँ जो कि मैं हर वक्त करती रहती हूँ। तो वल्लाह आलम बिस्सवाब, ये मुल्क कब सुधरेगा, इस शहर के हालात कब ठीक होंगे, मुझे तो कोई उम्मीद कोई आसरा नहीं है जनाब।